हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री पर बेस्ड जो बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको जानेंगे, सीखेंगे कब कैसे कैसे अप्लाई होता है, वो सारी चीज़ आपको इस वीडियो में सीखने को मिल जाएंगी। और आने वाले वीडियोज़ में आपको इससे जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आएंगे एग्जाम में वो भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक बेसिक सा क्वेश्चन रखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है सॉल्व एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ डी एक्स। देखिए होमोजेनियस इक्वेशन का मतलब होता है समघाती, समान घात। देखो अगर बात हो रही है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की, तो आप फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में होमोजेनियस तभी बोले होंगे जब आपका डी वाई अपॉन डी एक्स किस रूप में आ जाए, फंक्शन वाई अपॉन एक्स के रूप में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करके डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेना है। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन करके सॉल्व कर लोगे आप। देखो डी एक्स को पहले क्या करो, एक तरफ ले जाओ, यहाँ से रखो आप एक्स डी वाई, इधर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ डी एक्स, और वाई इधर रखिए हो जाएगा डी एक्स। अब फिर क्या निकाल लो, डी एक्स कॉमन, तो यहाँ से वाई डी वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ प्लस वाई, और इधर से क्या कॉमन आ गया डी एक्स। तो यहाँ डी वाई है, ये डी एक्स इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हाफ वाई अपॉन नीचे क्या आ गया वाई। ठीक है, ये आपका क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स है। आप चाहोगे तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपको वैसा भी नहीं करना है तो और एक ट्रिक में आपको सिखा सकता हूँ। देखो इसकी पावर टू है, इसकी पावर टू है, बट पावर में क्या लगा है टोटल की पावर हाफ, तो दो एक कम दो एक आ रहा है, सबकी पावर एक एक आ रही है मतलब, और इसकी पावर भी एक है, नीचे भी एक है, तो सबकी पावर ऊपर नीचे एक है, यानी कि सम घाती है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में। अगर और ढंग से लिखना चाहो तो और ढंग से भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे ना x था, देखिए ये x है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अलग अलग पट्टे में लिख लो, चाहो तो लिख लो, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा y अपॉन x प्लस यहाँ से क्या क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हाफ अपॉन में क्या है x, ये चीज़ें। अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ इस प्रकार से, ये टोटल का मैं अगर हाफ ले लेता हूँ, टोटल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको मैं लिख दूंगा एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, और टोटल की मैंने हाफ ले ली है, सही है ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा वाई अपॉन एक्स, और इधर से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वन, और इधर हो जाएगा वाई अपॉन एक्स का टोटल का स्क्वायर, ऊपर क्या जाएगा हाफ, ये आपका आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। और मैंने बोला था कोई भी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन होती है वो इसी रूप में होती है, फंक्शन वाई अपॉन एक्स के रूप में लिखी जा सकती है, इसको हम फंक्शन वाई अपॉन एक्स के रूप में लिख पा रहे हैं ना, तो ये हमारा इक्वेशन वन मान लो। अब ये समघाती है, होमोजीनियस है, इट इज़ होमोजीनियस इक्वेशन, तो इसको सोल्यूशन के लिए हम वाई बराबर क्या मानते हैं वी एक्स, वाई बराबर क्या मानते हैं वी एक्स, और डेरिवेटिव करते हैं एक्स के सापेक्ष, ये मेथड है। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड लगाओगे, पहला गुणे दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा गुणे पहले का अवकलज। अब इन वैल्यूज़ को उठाओ और इक्वेशन नंबर वन में पुट अप करो, तो देखो क्या मिलेगा हमें जब ऐसा करेंगे, वैल्यू रखेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर क्या जाएगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और वाई अपॉन एक्स की जगह पर क्या जाएगा वी, देखो वाई अपॉन एक्स की जगह पर क्या जाएगा वी, तो ये वी आ गया प्लस वन प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, ये चीज वी से वे क्या हो गया कैंसिल आउट, तो क्या बचा एक्स डी वी ओवर डी एक्स वन प्लस वी स्क्वायर की पावर हाफ, वेरिएबल सेपरेबल कर दो आप, तो डी वी अपॉन क्या आ जाएगा वन प्लस वी स्क्वायर की पावर हाफ, और इधर डी एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। उसके बाद क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इधर से क्या आ जाएगा फार्मूला क्या बनता है इसका, इसका फार्मूला होता है वी प्लस अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर। फार्मूले आपको इंटीग्रेशन के पता होने चाहिए तभी ये क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे, ठीक, लॉग वी प्लस रूट वन प्लस वी स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा डी एक्स का लॉग एक्स, सारे लॉग में आ रहे तो इधर भी लॉग सी इंट्रोड्यूस कर दो, लॉग से लॉग एलिमेंट हो जाएगा, और यहाँ क्या जाएगा एक्स सी, और वी के प्लस पे वैल्यू पुट कर दो, वी के प्लस पे क्या है वाई अपॉन एक्स, यहाँ से वी के प्लस पे क्या रख दोगे वाई अपॉन एक्स, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा वाई अपॉन एक्स रूट वन प्लस वाई अपॉन एक्स, यानी वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इधर एक्स अपॉन सी, ये आपका क्या जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। ऐसी और प्रॉब्लम आपको नए आने वाले वीडियोस में मिलते रहे।